लड़की लोग के करने के साथ साथ जस्ट 10 मिनट हम लोग ब्रेक करेंगे। 10 मिनट आफ्टर के बाद खेला जाएगा फर्स्ट है नावम तलर एंड दिव्या सोनम टाइसन एंड दसु ओबेन ताई जॉन एंड नाना मल्टा वर्सेस बगजन तमा एंड हेलन राजा आदर तली एंड हम लोग अभी और टेकिंग प्लेस में जाएंगे। जाने से पहले आप लोग एक प्रार्थना होगा, जिस प्रार्थना को लीड करेंगे हमारा रेवरेंट ट्राइब टके जो जोलान का पास्टर है और हमारे बीच में एक एक्सपेक्टेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड और इनवाइट किया है सोशल एक्टिविटीज ब्रदर भाई गैदर ऑन द वे में है तो आप लोग थोड़ा सा जस्ट 5 और 30 मिनट वेट कीजिए। लेट यू कम वो आते ही हम लोग दो चांस आओ या ना आओ हम लोग प्रार्थना शुरू करेगा। सामने कीजिए हाँ और थोड़ा सामने कीजिए ये नो आप लोग थोड़ा ऐसे लाइन कर टिक कीजिए ये लास्ट लाइन गो दिया प्लीज वो यहाँ वहाँ यहाँ में हाँ ये कम हो गया ओके तो कुछ भी करने से पहले हम स्पेक्टेटर वी आर नॉट इनवाइटेड एज एनीबॉडी चीफ गेस्ट स्पेशल इनवाइटेड ऐसा नहीं है सोशल वर्कर है तो उनका एक्सपीरियंस को आपको शेयर करने के लिए और बहुत लोग सोशल मीडिया में दिखता होगा लेकिन हमारा इस्तेफाक से अपना बिलीवर्स है तो आप लोग को जान पहचान कराने के लिए उनको भी लेके आया हूँ तो वो भी दो बातें करेंगे और जस्ट 70 ऑर्डर टेकिंग करने के बाद देन विल गो फॉर स्टार्टेड गेम्स में जाएंगे तो प्लीज वेलकम रेवरेंट ताई तकी सर। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलके प्रभु को 3 बार धन्यवाद करेंगे। वचन पढ़ेंगे क्योंकि आज यहाँ तो कोई मैं लगता हूँ कोई भी नॉन क्रिश्चियन नहीं है। संजय पे जो लिखता है वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड। जो भी हम लोग काम करता है उनका अच्छाई के लिए ये भी एक हम लोग का किसी भाई बहन का किसी ये बेटा लोग के लिए ऐसे खेल कूद के अपना लाइफ को बनता है। इसमें भी एक मैंने प्रभु का इच्छा होगा मैंने ऐसे यहाँ मैंने भी होना चाहिए शैतान काम करेगा होगा हम लोग का ये शासन करना ऐसे नहीं होना चाहिए माने जो भी करता है हम लोग माने ईश्वर का महिमा के लिए करना है इसमें ब्लेसिंग होने के लिए हम सब एक बार अपना अपना पाप से कर करेगा शैतान मारेगा हम सब एक आत्मा को जलाने के लिए अगर हम लोग बैडमिंटन को यहाँ से शुरुआत अच्छा से करके आगे जाके हमारा सियासी बिलीवर से कोई स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा नेशनल तक पहुँचता है बोलने से तो कोई बैडमिंटन अगर अच्छा हो गया बोलने से कोई वॉलीबॉल के लिए भी शुरुआत करेगा फुटबॉल के लिए भी कोई हो सकता है अदर जो है एनी ऑफ द स्पोर्ट इवेंट्स में होगा बोल के उस आत्मा को जगाने के लिए ये जस्ट एक ट्रायल है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और दूसरे बात ये है कि हम लोग कहीं भी होते हैं तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है तो इस बार हमने ये कोशिश किया कि बहुत ही कम अमाउंट में फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लाइक हो किसी का बर्डन ना हो लेकिन खेल हमारा अच्छा होना है हम खेल से इम्पोर्टिंग लेना है तो इसलिए आपका बजट बहुत कम है तो खाने पीने में आपको नहीं मिलेगा 46,000 रुपये हम लोग का बजट ना ओनली 46,000 और भी आप लोग का कलेक्शन किया वाला तो उसी से आधा दिन नहीं है पहले हमारा 50,000 बचा हुआ है और 46,000 प्लस 96,000 से सिर्फ ये गेम्स एंड स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो लास्ट ईयर में हम लोग का कलेक्शन वॉज मोर देन 3 लाख भी हुआ है होने से भी पार्टिसिपेंट सर हम सर चार्ज 3 चार्ज था
बट दिस टाइम वी हैव 9 चर्च लंबर हमारा भर गया लेकिन हम अमाउंट को कम किया तो पैसा को हम लोग इकोनॉमिकली सीखना है हमारा सिर्फ और ये मकसद ये कि हम गेम्स को आगे बढ़ाना है इसलिए खाने पीने में कहीं भी कमी हुआ और यहाँ जब आपको इतनी बोने से कमिटी की तरफ से एडवांस बता रहा हूँ आप लोग को माफ दीजिएगा और ये एक स्पोर्ट्स स्पिरिट मीटिंग करके हम खेल को एक डेवलप करना चाहते हैं ना प्रेज लॉर्ड तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग जस्ट फॉर्मेलिटी में और टेकिंग में जाएंगे और टेकिंग में जाने के बाद मैं यादव सर को बोलूँगा थोड़ा एक दो बात करेंगे और हम लोग खेल में सीधा चला जाएंगे ना तो प्रेट ना आपसे हम एश्योरेंस लेता है ये और टेकिंग लेने के बाद आप जो है कमिटी को ज़्यादा चैलेंज भी नहीं कर सकता है कमिटी जो आपको बाय रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन देगा उसी हिसाब से आपको जाना है और गेम्स का स्पोर्ट्स का जो है मेंटेलिटी को स्पिरिट को बढ़ाना है और हम खेल में कौन हारना चाहता सब जीतने के लिए खेलेगा लेकिन खेल खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया ना खेल में तो सब जीतने के लिए खेलेगा खेल में कोई एक टीम हारेगा एक टीम जीतेगा वो हार जीत वहीं खत्म हो जाता है तो हम पर्सनली कुछ नहीं है खेल सिर्फ खेल होता है ना तो उसी चीज़ को यह मीटिंग रखने के लिए हमने ये बनाया है तो मैं एक बार रिकॉर्ड करूँगा उसके बाद आपको क्या बोलना है यहाँ में जैसे आई श्री श्रीमती मिस मिस्टर मिसेस जो भी लिखा है वहाँ अपना नाम लिखना है टीम का नाम लिखना है बोलना है अपना अपना से ना डू हियर बाय प्रॉमिस दैट आई शैल टेक पार्ट इन दिस सेकेंड एडमिन क्रिसमस इंटर चर्च बैडमिंटन टूर्नामेंट वेल एंड अप्लाई टू रेस्पेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विद एंड थ्रू स्पोर्टिंग स्पिरिट फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल के हम लोग या आमीन लिख के आप लोग सबमिट करना है सबमिट करने के बाद दो बार हम लोग का जो आज एक एल्डर बुलाया है तो उसे थोड़ा सा एडवाइस सुनेगा उसके बाद हम लोग खेल में जाएंगे तो चलिए हम लोग जितना प्लेयर्स है मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप लोग बोलिए ना आई श्री श्रीमती जो है आप लोग अपना नाम लिखो ना बोलो आई डू हियर बाय परमिस देट Second advanced Christmas. Inter-Charge Badminton Tournaments. Inter-Charge Tournament. Well and obliged to respecting the rules and regulation conducted by organizing committee with and through sporting spirit for the glory of Jesus Christ. Amen. Amen. And thank you so much. तो एक साथ को तरह टाइम देगा ना एक्चुअली मैं भी प्रभु का जो चरणों में बोल आया हूँ मैं अभी जस्ट सीख रहा है तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा वहाँ से भी साइड पार्टिसिपेंट बोर्ड हमारा इस बार आ रहा है तो मेरा लिए नया है आप लोग का ये प्रोग्राम और मैं देख के बहुत खुशी लगा है जैसे प्रोग्राम जो आप जैसी सरेली मतलब एक तो ये है ना कि हेल इज़ वेल जो बहुत पैसा धन दौलत होके भी हेल्थ नहीं अच्छा होने से खुशी नहीं होता ना हैप्पी नहीं होता वेन यू आर गुड हेल्थ यू आर वेल एट द सेम टाइम हैप्पीनेस ऑल्सो सो प्लीज़ मेंटेन योर स्पिरिट दिस स्पोर्ट्स स्पिरिट क्योंकि ये जो आप लोग प्रभु का द्वारा से और स्पिरिचुअल वे से होली स्पिरिट का थ्रो से खेल खेलेगा तो मैं समझता हूँ कि आप जो है स्टेट में भी नेशनल में भी इंटरनेशनल इवन ओलंपिक में भी एक्सेल हो सकता है प्रभु क्या नहीं करता है बहुत मिराकल कर सकता है तो उस आप लोग के लिए हम लोग पटना फेयर में भी याद करेंगे और जैसे एक एग्जांपल एक इजराइल कंट्री है उसको पांच दो कंट्री एक साथ मिल के लाने से भी कभी कभी हार जाता है तो इजराइल किसने हो रहा है इजराइल के लिए लोग रोज प्रेयर करता है जैसे आप लोग का चार्ज में प्रेयर सेंटर में उसका वजह से उसको कोई नहीं जीत सकता है लड़ाई में और रिसेंटली भी आप दिखाए ना लास्ट ईयर में इतना मिसाइल गया या दूसरा पाकिस्तान से वो पूरा स्काई में ख़त्म कर दिया वो मिसाइल को कितना उसको विजडम ज्ञान दिया प्रभु ने उस कारण से उसको कोई नहीं कर सकता इजराइल कंट्री को इसलिए आप लोग को शक्ति ताकत देगा प्रभु जरूर आप लोग इसल करेंगे मेरे लगता है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपका
क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक एसोसिएशन जो बैडमिंटन का एसोसिएशन निकल के स्टेट में भी जो बैडमिंटन स्टेट का स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन में आप लोग पार्ट लीजिए, बी ए पार्ट ऑफ दैट स्पोर्ट इवेंट एंड नेशनल में और इंटरनेशनल में सिलेक्शन कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ से भी जो खास के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो इंटरनेशनल नेशनल जाने से फ्यूचर में स्कोप जॉब का स्कोप भी है और बहुत कुछ है, एक्सेल करने से अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग सोच के मतलब हार्ड वर्किंग कीजिए। हम लगता है जैसे अदर में तो कोई लोग ड्रग अपून पी के भी खेलता है, प्रभु में आने वाला तो प्योर है, प्योरिटी वाला होल स्प्रिट माइंड सोइल में पूरा प्योर है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग का पावर उसमें पावर होगा, ताकत होगा, एनर्जी शक्ति होगा, स्प्रिट आएंगे। थैंक यू। इस वर्ड में हम खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन। तो हम लोग सब मिलके हिप हिप हुरे बोलेंगे ना, थ्री टेबल। तो एक बार प्रेस लॉक करके हम लोग वहां खेलकूद में आवाज ले लेंगे ना। चलिए, प्रेस लॉक, प्रेस लॉक, प्रेस लॉक। सबको प्रेस लॉक ना कहे और उसको समझ लीजिए। यहाँ पे समझ के जो जो साइन क्या दे दीजिए।